यमुनानकाना साहब की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा धुंध है इस टाइम। यम सिटी में एंटर हो चुके हैं इस टाइम। ये ननकाना साहब का सिटी है, यहाँ पे बाजार लगा हुआ है, सजा हुआ है। ये कश्मीर रोड है, ननकाना साहब की तरफ जा रहा है और बड़ा ज़बरदस्त ये इन्होंने यहाँ पे ये सड़क बनाई हुई है। और ये सामने जो नज़र आ रहा है ये रेल स्टेशन है, जो रेलगाड़ी का स्टॉप जिसे कहते हैं ननकाना साहब का, ये रेलवे स्टेशन। कश्मीर रोड इसको कहते हैं। डायमंड पेंट, ये सारा डायमंड पेंट लगा हुआ है इस पूरे रोड के ऊपर। कचहरी रोड आ चुका है, यहाँ पे आगे कचहरी आ गया। और ये सामने दिखे तरह का भाई दिखाए तो ये गुरुद्वारा, वाह राइट। दोबारा जन्म स्थान मेन गेट है जिला ननकाना साहब। गाड़ी कहाँ खड़ी करनी पड़ेगा? रखमार रहीम, इस टाइम मैं गुरुद्वारा के पास मौजूद हूँ। मेरी बैक साइड पे गुरुद्वारा है और हमारे साथ यहाँ के मोहज़्ज़द भाईजान हमारे साथ। हम इनकी तारीफ पूछेंगे। कैसे आप? ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम दयाल सिंह, सेवादार गुरुद्वारा जन्म स्थान सेवादार। करनी तो बड़ी औखी है, मैं मानना बड़ा औखा है, लेकिन वो कर्म है, पूरे कर्म है। इंशाल्लाह तुम आओगे फिर थोड़ा कर्म, कुछ मजबूरियाँ आ गई सारी तुम्हें नहीं कर सकते, बाद बोर्ड से इजाजत लेके आओ, पूरा दिन साढ़े नाल आओ। जी, अंदर के सारा निगरानी इनके पास होती है और आज ये कहीं जा रहे हैं तो इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे तो अंदर से सारी वीडियो आपको हम दोबारा इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, अगली वीडियो में आपको अंदर की सारी खूबसूरती दिखाएंगे। और यहाँ पे मुसलमान सिख में कोई फ़र्क नहीं है, हमने इनसे बहुत सी बातें की है और बहुत मज़ा आया इनसे बातें करने का। तो एक आधी बात आप हमें बता दें। गुरु नानक महाराज ने जो साढ़े सिख मजहब के बानी ने उन्हें यह गल की कि इंसान सब बराबर है, अल्लाह ताला ने मनने वाले ने सारे खास करके जड़े दो कौम ने हिंदू से सिख से मुसलमान हिंदू रीत ने इन्हों सा एक इंसानी रिश्ता भी है। तो बाबा जी ये कहने कि अपने आप को सही करो सब दुनिया सही। उन्हें लिखा हम नहीं चंगे पर आने ही पूरे असं चंगे नहीं किसी बुरा कहना है, जिते जिते कोई लगे सही लग। गुरु नानक देव की शुरुआत तो 70 साल 5 महीने 7 दिन उम्र यही इंसानियत की दर्द देता उसके दर्द जाए कि मुसलमान हिंदू का सिर्फ नहीं है कि सब एक है, सब एक उस मनने वाले से सब एक। आपके इस इलाके में कोई किसी मुसलमानों से कोई ऐसा मतलब प्यार जा रहा है? इस तरह जिसको से प्यार कर रहे हो प्यार करें, इस तरह एक दूसरे से प्यार करने मोहब्बत ना उठना बैठना रहना बहना इस तरह रहेगा। हमें तो बहुत प्यार मिला जी आपसे, अल्लाह का करम है। मेरे जो है वो नहीं है, लेकिन जो गुरु नानक ने गल की कि इंसान सब एक बराबर है, तुम उसकी कदर करनी, उसकी कोशिश करनी कि हर बंदा अपने मेनू मार साढ़े वास्ते सलामत होते हो। मैं तो 5 नमाज़ा पढ़ो ये जरूरी बेस्ट है। तो सारे सिख धर्म ने 2 टाइम इबादत, एक
इबादत उदू करना जो मन करके करिए, दिल में कुछ पहुंचे ना फिर गल बन उसे करने से, लेकिन मना करके करके जे मैं तुम दस कि जो अस दुआ मंगते उसे क्या सिखन का मन से महसूस कि अल्लाह तला गुरु साहब कहते कि अल्लाह तला सिखन का मन मन ही भी करो बहुत कुछ ही करो ये अपनी तां फिर उसे पहुँच सकते ये ऐ चीज़ नहीं फिर पहुँचना बड़ा मन। तो किसी को अंदर जाना गैर या मुसलमान बंदा अंदर जा सकता है इजाज़त है उसको अंदर जाने की रोकना मना बिल्कुल रोक रोक नहीं हालात मुताबक दूजी गल एक ऐसी इंसानियत साढ़े को बराबर सू चीज़ नहीं कि कौन है कौन है बस ये चीज़ा ने सब इंसान बराबर बाबे गुरु नानक का हुक्म है कि सब एक इंसान आप व्यूवर्स आ सकते हैं अंदर से सारा देख सकते हैं आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कोई मना नहीं है जो जिस मतलब का भी है उसको इजाज़त है यहाँ आने की किसी चीज़ के ऊपर परेशानी नहीं है और टाइमिंग है टाइमिंग जो सुबह 8 से 10 बजे तक आपने नहीं आना 10 बजे के बाद ऐसी ही टाइमिंग टाइम 9 तो लेके शाम 4 बजे तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आगे पीछे बादल ने भी फिर पाबंदी तो सारे बच्चियाँ जवान बड़े सारे आते हैं बादल जिम्मे तुम नमाज पढ़ते हो उस वक्त कोई गल नहीं कर सकता अल्लाह को मिलने वाले टाइम होगा इस तरह साढ़ा इबादत है कि फिर अच्छा जी आखिरी बात इस हुकूमत इमरान खान के बारे में कुछ उन्होंने किया हो आप लोग के लिए असि बड़ी पूछा जे 70 साल साढ़े ख्वाहिश थी ना सिख कौम की ये पूरी हो गई जो कोरीडोर उन्होंने बनाई इंडिया के लोगों वास्ते कि आके तुम अपने यात्रा भी कर सकते हो दर्शन भी कर सकते हो असी थोड़े वेलकम करेंगा थोड़े वास्ते साढ़े दरवाजे खोले ने साढ़े जनरल पाकिस्तान की वजीर आजम की साड़ी जिन्हें भी मुतलक अपने गवर्नर वो भी वजीर आजम ये सब प्यार करने वाले बंदे यानी आप कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान खान से पहले ऐसा काम किसी ने नहीं किया ये चीज़ नहीं हुई शुरुआत वही थी लेकिन पकड़ नहीं आई पकड़ जो बंदा रब न लेके ना उन्हें उस वक्त पहले तो अंदर गलत थी वो बंदा कर सकता सच्चा हो व्यूवर्स आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अंदर का सारा व्यू दिखाएंगे हमें सिंह साहब भी सारा अंदर का व्यू दिखाएंगे और एक एक चीज़ हमें बताएंगे इंशाल्लाह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा बहुत शुक्रिया जी आपसे बात करके दिल को खुशी अहमद भाई ये है जी मदीना मस्जिद का मीनार जो बिल्कुल गुरुद्वारे के साथ है और इंतहाई खूबसूरत नक्शो नगार इस पर मतलब जो बनाए गए हैं खूबसूरत मस्जिद बनाई है हम ननकाना में जामिया मस्जिद में मौजूद है इसका नाम मदीना मस्जिद है और बड़ी खूबसूरती तैयार हुई है देखे मनार का और मदीना के दरवाज़ा है ये देखे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और अंदर से हम माशाल्लाह बच्चे भी मदरसे के बैठे हुए हैं कुरान पाक ही कर रहे हैं माशाल्लाह इधर आप कुरान पाक ही कर रहे हैं इधर ही रहते हो सोना खाना पीना सब कुछ इधर है माशाल्लाह कितने सिपारे पे हो मेरे 15 हो गए आपके 15 सिपारे हो गए आपके माशाल्लाह माशाल्लाह रिहाइश भी इधर मिली हुई खाना पीना सब ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह
ललकाना साहब में मैं घूम रहा हूँ और इसके बाजार में इस टाइम मौजूद है। अब हम जा रहे हैं जी यहाँ की मशहूर, क्योंकि जिस एरिया में जाता हूँ तो वहाँ से लाजमी एक दफ़ा वहाँ की जो मशहूर मिठाई मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, बल्कि लेके भी आता हूँ। तो यहाँ की जो मशहूर मिठाई है उसका नाम है मनपसंद, और ये खोया टाइप मेरे ख्याल से है। अभी हम चल के देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि ये कैसी है। चले आपको भी चल के हम दिखाते हैं। यहाँ निराला स्वीट, निराला स्वीट जी, निराला स्वीट है, रहीम स्वीट है, नहीं जहाँ से ये मिलता है मन पसंद से कह रहे हैं कि अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है। ओके जी, चले जी देखते हैं। चले जी रहीम स्टोर मन पसंद, किधर है, किधर है मन पसंद? ये जी मन पसंद है जी जी। ये देसी घी का बना है या जी जी, देसी घी का यहाँ का मशहूर है जी, ननकाना का मशहूर है, मशहूर है जी यहाँ का ननकाना साहब का जी। और ये देखिए सुगात है जी, ननकाना की यहाँ की सुगात है माशाल्लाह। चेक कराएं जरा एक प्लेट में जी, हम इनकी चेक कर रहे हैं यहाँ की सौगात, इसको मन पसंद कहते हैं। जब भी आप ननकाना आए तो रहीम बेकरी बार लिखा हुआ नाम भी रहीम स्वीट के नाम से है ये। चलिए जी खाए आप। स्टार्ट है अच्छा, देसी घी तो समाज है यार इसमें जी, देसी घी है, खोया है और दूध जो है वो मिक्स होके ये मन पसंद मिठाई तैयार होती है। चाहिए आपको भी एक दफ़ा आके ननकाना, जब भी आप आए एक दफ़ा आप यहाँ पे आके खा के चेक करें, आपको पता चलेगा। रहीम स्वीट, रहीम स्वीट, रहीम स्वीट, रहीम स्वीट मेन ऊपर ही, मेन रोड के ऊपर इनकी ये शॉप है। और जैसे मैंने खुशाब में आपको एक मिठाई खिलाई थी वो भी आपको याद है, आप दोस्तों के लिए भी लेके आया था मैं, तो एक दफ़ा यहाँ पे भी आके आप चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये किस तरह किलो वजन? 750 रुपये किलो। और हमारी नज़र में कुछ भी नहीं है क्योंकि देसी घी से बना हुआ है और बादाम सदाम और बड़े मज़ेदार, इसका हमने अभी चेक करके देखा है। एक दफ़ा आप भी ट्राई करें, आपको आइडिया हो जाएगा।